देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में व्यूज ना आना या कम आना ये नॉर्मल सी बात है। लोग ऐसे ही हवा बना देते हैं कि यार मेरे तो व्यूज नहीं आ रहे, 0 व्यूज आ रहे हैं। भाई ये सबके साथ होता है, ठीक है? कोई तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होता है। चाहे वो मिलियन सब्सक्राइबर अब लेके कोई बैठा हो, पर स्टार्टिंग में व्यूज नहीं मिलता यार, और उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है? थोड़ा सा देखा जाए तो कहते हैं ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वो करना पड़ता है। तो जैसे कि कीवर्ड्स में या टैग में दूसरे चैनल का नाम डाल देना, ठीक है, कीवर्ड्स को चुराना, ये सारी सारी चीज़ें जो है आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेंगी। जो सबसे मेन सेटिंग है करने के लिए वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि सभी को करनी पड़ती है, ठीक है? शुरुआत में कोई नहीं करता है, पर बाद में जब 1-2 महीने 6 महीने बाद उसको लगता है कि हाँ ये गलती मैं कर रहा हूँ, तब खुद ही जाकर आदमी को ये सेटिंग, सबको ये सेटिंग करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, चाहे 1,000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 1 महीने में 500 सब्सक्राइबर हो गए हों, या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हों, जब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे तब तक आपको व्यूज नहीं आएगा। सब्सक्राइबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपकी एक आध वीडियो वायरल हो गई हो, सब्सक्राइबर आपको लाखों मिल गए हों, पर बाकी वीडियोज़ पर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे जब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे। तो वो आपको क्या करना है वीडियो में या फिर चैनल में, वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, ठीक है? क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में, या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं, फायरफॉक्स वगैरह, उसमें आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। मोबाइल पर अगर आप कर रहे हैं तो यूट्यूब ओपन करने के बाद डेस्कटॉप मोड कर लेना है। अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप डेस्कटॉप मोड पर ही हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है। अगर आपका यूट्यूब लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो, ठीक, एक यूट्यूब स्टूडियो का एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, जो कि मोबाइल में यूज होता है नॉर्मली, ठीक है, जिसमें अभी अभी के टाइम में, ठीक है, अपडेट आने वाला है, और कुछ मोबाइल्स में आ भी गया है और कुछ में भी नहीं आया है, ठीक है? तो अभी के टाइम में बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर ज़्यादा आपको मैनेज सब बहुत कुछ मैनेज करना है या सब कुछ मैनेज करना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है, और उसके बाद आप नीचे कॉर्नर में देख सकते हैं, उसके बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा नीचे कॉर्नर में। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद अब आपको, ठीक है, यहाँ पे एक तो कई सारी सेटिंग मिलेंगी, जनरल चैनल, ठीक है? तो यहाँ पे हमको सेकंड वाले ऑप्शन से काम है, चैनल पर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहली चीज़ कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री आप जरूर सेलेक्ट कर लेना, नहीं भी सिलेक्ट करोगे तब भी चलेगा, पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। सेकेंड चीज़ आपका आता है कीवर्ड। तो ये कीवर्ड आपका वो कीवर्ड नहीं है जो वीडियो में पड़ता है, जो हर एक वीडियो में आप अलग अलग डालते हैं, अलग अलग टाइप की वीडियोज में, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो डिस्क्रिप्शन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसका उससे कोई वास्ता ही नहीं है। ये कीवर्ड्स आपके चैनल को प्रेजेंट करता है, आपके चैनल को, आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने, ना कि जो आप अलग अलग कैटेगरीज की वीडियो डाल रहे हैं उसको लोगों के सामने दिखाता है। तो ये कीवर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। इन कीवर्ड्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी इशू आपको इसकी वजह से नहीं आने वाला है। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या फिर टाइटल लिखते हैं, उसमें अगर आप 1, 2, 3, 4 नॉर्मली हमेशा ही ऐसे ही मतलब चैनल का नाम डालते रहते हैं बहुत सारे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपका मन कर, जो भी आपका मन करे, ये आपके चैनल को रिप्रेजेंट करेगा, चैनल को आपको दिखाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर का नाम डाला है, किस टाइप की वीडियो बनाता हूँ, 3-4 कीवर्ड्स भी डाले हुए हैं। तो ये चीज़ अगर कोई सर्च करेगा ना तो मेरी वीडियोज़ नहीं, मेरा जो चैनल है वो उसके सामने चला जाएगा, ठीक है? अगर कोई भी यहाँ पे जैसे टेक्निकल योगी है, टेक्निकल योगी की वीडियो अगर देख रहा है, उसके रिकमेंड में मेरी वीडियो आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई टेक्निकल योगी का चैनल सर्च कर रहा है तो उस चैनल के नीचे मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ आप डालेंगे वो आपके वीडियोज़ को नहीं, चैनल को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड डालना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। अगर यहाँ पे आपने कीवर्ड डाल के रखे हुए हैं तो स्टार्टिंग में व्यूज़ जो आते हैं, ठीक है, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 50 सब्सक्राइबर हैं आपको 100 व्यूज 1,000 व्यूज मिलने लगेंगे, नहीं, 1,000 सब्सक्राइबर भी देखा जाए तो 200-300 व्यूज ही मिलते हैं, क्योंकि जो आपको सब्सक्राइब करके रखे हुए होते हैं जरूरी नहीं वो आपकी वीडियो देखें। 80% 70% लोग तो ऐसे ही होते हैं
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने वाले नहीं देखते हैं, तो ये चीज़ जरूर से ज़रूर डाल लेना, क्योंकि ये आपको जेन्युइन व्यूज देने वाला है। जो यूनिक व्यूज आता है ना, ठीक है, एवाईटी स्टूडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो यूनिक व्यूज आपको यहीं से मिलेगा। यहाँ से आपकी वीडियोज आपका चैनल सजेशन में जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कीवर्ड डाल सकते हैं, चैनल का नाम डाल सकते हैं अलग अलग लोगों के, और यहाँ पे आपको कोई भी इशू बाद में नहीं आने वाला है कि नहीं ऐसा डालने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।